साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे आई रिफ्रेश ड्रॉप। साथियों आई रिफ्रेश ड्रॉप जो है साथियों इल्डर फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये जो है आई ड्रॉप है। साथियों इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि जो ब्रांड है आई रिफ्रेश ड्रॉप, इसमें क्या मिला है। साथियों कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज ऑप्थल्मिक सॉल्यूशन विद ग्लिसरीन। साथियों मैंने पहले भी वीडियो बनाया मिस्टी ब्रांड से, लेकिन फार्मूला एंड कंपोजिशन सेम होता है। साथियों ये जो ब्रांड है ये आई रिफ्रेश ड्रॉप ये इल्डर फार्मास्यूटिकल है एंड मिस्टी है एनआरआई विजन फार्मास्यूटिकल कंपनी का है। साथियों कंपोजिशन सेम है, ब्रांड अपनी अपनी कंपनी के अलग होते हैं। साथियों उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आई रिफ्रेश ड्रॉप के डिस्क्रिप्शन के बारे में, साथ ही साथ इसके यूजेस एंड बेनिफिट की बात करेंगे, साइड इफेक्ट की बात करेंगे एंड हाउ टू यूज आई रिफ्रेश ड्रॉप और इसको इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कंट्रा इंडिकेशन की बात करेंगे, ब्रांड्स की बात करेंगे एंड डायरेक्शन फॉर यूज एंड कंपोजिशन की बात करेंगे। तो साथियों सबसे पहले जानेंगे आई रिफ्रेश ड्रॉप जो है इज एन आई लुब्रिकेंट एंड आर्टिफिशियल टीयर्स। कहने का मतलब यह है साथियों ये आर्टिफिशियल टीयर्स, जैसे प्राकृतिक जो है हमारे आँखों में क्या होता है कि जो टीयर्स हैं, आंसू हैं, वो जो है ग्लैंड से जो है आँखों से जनरेट होते रहते हैं, सिक्रीट होते रहते हैं, पर किसी कारणवश साथियों क्या होता है कि वो आंसू जो है सिक्रीट नहीं हो पाते हैं। उसके बहुत से कारण हैं जो अभी हम वीडियो में बताएंगे साथियों, जैसे कि धूप की वजह से सनलाइट है या जो है बर्निंग इरिटेशन है, जैसे कहीं बिल्डिंग हो रही है वो देख लेते हैं, या जैसे किसी डिजीज की वजह से या मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, या कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या फिर मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते हैं, टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं। ऐसे केस में क्या होता है कि जो आंसू हैं वो साथियों क्या होता है कि स्वतः जो है जनरेट नहीं होते हैं, तो उसमें आर्टिफिशियल टीयर को जो है लेना पड़ता है। साथियों ये जो है आई रिफ्रेश ड्रॉप जो है साथियों हमारे पास जो है ये आर्टिफिशियल टीयर्स है, यूज टू रिलीव दी आई ड्राई आईज। कहने का मतलब है जो ड्राई आईज हो जाती हैं उनको जो है रिलीव देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड दिस कैन हैपन बिकॉज नॉट एनफ टीयर्स। और ये साथियों कब होता है, जब आंसू अपने आप जनरेट नहीं होते हैं, एनफ टीयर्स आँखों में नहीं होते हैं, आर मेड टू कीप द आई लुब्रिकेंट। और उससे क्या होता है आँखें लुब्रिकेटेड रहती हैं, जब एनफ आंसू नहीं जनरेट होंगे तो उस केस में जो है इसको डालना पड़ता है। साथियों इट हेल्प्स टू सूथ द इरिटेशन। और ये क्या करता है, मतलब सूथ मतलब एक शांति प्रदान करता है। इरिटेशन जो आँखों में होती है, रेडनेस हो जाती है, बर्निंग होती है, उससे जो है क्या होता है मतलब आराम देता है। साथ ही साथ क्या होता है ड्राई आईज में जो है मेंटेनिंग दी प्रॉपर लुब्रिकेंट जो है ऑफ द आई, और ये आँखों की जो है क्या होता है लुब्रिकेंट को जो है प्रॉपर मेंटेन रखता है। साथ ही साथ क्या करते हैं आई रिफ्रेश ड्रॉप जो है साथियों यूजली टेकन व्हेन नीडेड। कहने का मतलब है जब इसकी ज़रूरत हो तभी इसको डालें, अदरवाइज इसका जो है ऐसे इस्तेमाल ना करें। साथियों ये इल्डर फार्मास्यूटिकल कंपनी का है, जो इसकी MRP है साथियों अभी मैं बता रहा हूँ 142 रुपये की MRP है, सभी केमिस्ट की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। यूज एंड बेनिफिट की बात करेंगे, नॉर्मली योर आई प्रोड्यूस एनफ नेचुरल टीयर्स। कहने का मतलब है कि नेचुरल टीयर्स जो है अपने आप जो है आँखें जनरेट करती हैं टू हेल्प टू देम मोर ईजियर एंड कंफर्टेबली एंड द रिमूव डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स। कहने का मतलब है जो आंसू है, जैसे कि डस्ट पड़ जाती है, धूल पड़ जाती है, तो वो जो है क्या होता है आंसू के द्वारा जो है वो क्या होता है कि अपने आप निकल जाते हैं, डस्ट पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं। इफ दे डू नॉट प्रोड्यूस एनफ ईयर्स, अगर जो है अपने आप प्रोड्यूस नहीं होते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है कि रिफ्रेश आई ड्रॉप को डालना होता है, और उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दे कैन बी बिकम ड्राई, रेड एंड पेनफुल। और जब ये आँखों में आंसू मतलब नहीं जनरेट होते हैं तो रेड हो जाती हैं, पेन होने लगता है, इरिटेशन होने लगता है। ड्राई आइज कैन बी कास्ट बाई, जैसे हवा के द्वारा ये हो सकता है, रेडनेस आ सकती है, सनलाइट से हो सकता है, हीटिंग से होता है, कंप्यूटर यूज के होता है, सब मेडिकेशन के यूज से होता है, जैसा कि अभी हमने डिस्क्रिप्शन में साथियों बताया है। एंड मिस्टी आई, साथियों आई रिफ्रेश ड्रॉप जो ये हमारे पास है कीप योर आई लुब्रिकेटेड हमेशा रखता है, कैन रिलीव एंड ड्राइनेस एंड पेन, और पेन और ड्राइनेस से जो है रिलीव देता है साथियों।
साथ ही हम इसकी साइड इफेक्ट की बात करेंगे। तो वैसे तो देखा जाए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन किसी किसी को जो है क्या होता है कि मतलब आई में इरिटेशन होने के चांस होते हैं, तो ऐसे केस में बंद कर देना चाहिए। बर्निंग आईज हो जाती हैं, डिस्कम्फर्ट लगता है, तो ना डालें, अदरवाइज कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं होता है। साथियों हाउ टू यूज आई रिफ्रेश ड्रॉप, तो कहने का मतलब है इसको इस्तेमाल कैसे करना है साथियों। एंड इसमें जो है साथियों क्या होता है कि ये इस तरह का ड्रॉप होगा, इसको ओपन करके और उंगली को जो है आगे नोजल में नहीं लगाना है, और ऐसे जो है दोनों आँखों में जो है ड्रॉप जो है इसे प्रेस करने से उसमें ड्रॉप निकलेगी और आँखों में वो पड़ जाएगी। उसको जो है 4 to 5 मिनट जो है आपको जो है रिलैक्स मोड में बैठना है और आँखों को बंद करके खोलते रहना है साथियों, और उसको फिर जो है दूर से इस तरह से इसको जो है इसको एयर टाइट कर देंगे कंटेनर को, और इसमें जो है हाथ की उंगलियां नहीं लगना है साथियों, ताकि वो जो है इन्फेक्टेड ना हो। साथियों हाउ टू वर्क आई रिफ्रेश ड्रॉप, और ये वर्क कैसे करता है, तो जो है क्या होता है लुब्रिकेटेड होता है जैसा कि अभी हमने पहले ही बताया है, एंड इट वर्क सिमिलर टू द नेचुरल टीयर्स, और ये जैसे नेचुरल आंसू होते हैं उस तरह से वर्क करता है, एंड प्रोवाइड टेम्परेली रिलीफ फ्रॉम बर्निंग एंड डिस्कम्फर्ट, और ये बर्निंग और डिस्कम्फर्ट से जो है रिलीव करता है ड्यू टू ड्राइनेस ऑफ द आई, और ड्राइनेस से जो है इसको आराम मिल जाता है साथियों। साथियों कंट्रा इंडिकेशन की बात करेंगे, इफ़ यू आर एलर्जिक टू सीएमसी, कहने का मतलब है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज किसी मरीज ने या पर्सन ने पहले डाला है और उससे जो है उसको सूट नहीं करता है, ऐसे केस में उन लोगों को नहीं इस्तेमाल करना है, या उसका कोई अदर इंग्रेडिएंट है, अदरवाइज इसका जो है कोई कंट्रा इंडिकेशन नहीं है। ये उन्हीं लोगों को दिक्कत होगी जैसे कभी यूज किया है और उनको सूट नहीं किया है। साथियों ब्रांड्स की बात करेंगे, तो बहुत से ऐसे ब्रांड हैं जैसा कि अभी हमने बताया, मिस्टी एक है NRI विजन फार्मा का जो हमारे पास है, आई रिफ्रेश ड्रॉप जो है साथियों ये जो है क्या कहते हैं एल्डर फार्मा का है, और साथियों साथियों सॉफ्ट ड्रॉप साथियों अजंता फार्मा का आता है, उसमें भी CMC कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज मिला होता है, बहुत सी कंपनियां जो इसको बनाती हैं। साथियों डायरेक्शन फॉर यूज रिफ्रेश आई ड्रॉप, तो ये क्या होता है कि एस जैसे कि आपको डॉक्टर बताता है उस हिसाब से यूज करना है, अदरवाइज जो है डू नॉट यू मिस द डोज, और इसकी जो है जब डॉक्टर ने जिस समय बताया है उस समय डालना है, इसकी डोज नहीं मिस करना है। जब भी आप डालें तो उसको चेक कर लें लिक्विड का कहीं कलर तो नहीं डिफरेंट हुआ है, अगर कलर डिफरेंट हुआ है सोल्यूशन का तो तुरंत इसको जो है बंद कर दें। साथियों कंपोजिशन की बात करेंगे, तो इसमें कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज जो है 1.0 वेट बाय वॉल्यूम मिला होता है, और ग्लिसरीन 1.0 वेट बाय वॉल्यूम मिला होता है साथियों, और प्रिजर्वेटिव मिला होता है साथियों। ये जो है 142 रुपये का आई ड्रॉप है, सभी केमिस्ट की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें। साथियों नमस्कार।